मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमने चैप्टर 1 का रिवीजन किया था, इंटीजर्स का सारे रूल्स किए थे, उसके रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स की थी, फिर हमने सिंप्लीफाई के सम्स किए थे। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो ये हम फर्स्ट टर्म एग्जाम का कोर्स स्टडी कर रहे हैं अभी। ओके, अभी हम लेसन 2 है हमारा, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये चैप्टर हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एडिशन का टॉपिक हेडिंग डाल दो मेरे साथ। एडिशन करेंगे हम 3/4 प्लस 5/9। 3/4 साथ में लिखते जाओगे, पीछे नहीं रह जाएगा। यहाँ हमको डिनोमिनेटर कैसा दिया है, अलग डिफरेंट दिया है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। वेरी गुड, तो हम यहाँ पर साइड में 4 और 9 का हम एलसीएम बोला नहीं है, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, 2 2 9 3 3 2 2 4 3 12 3 36। कीपिंग योर माइंड, हमको हमारे दोनों डिनोमिनेटर 36 करने हैं। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर 36 हमको करने हैं, तो बेसिक भी लाइन करके लिख देंगे। 4 को डिनोमिनेटर ही देखना है हमें, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 36 आएगा, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ये 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, है ना। ये 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऑल्टरनेट भी है, 3 9 37 upon 36 plus 20 upon 30। अब ये 5th स्टैंडर्ड का सम दिख रहा है, सेम डिनोमिनेटर, तो बिग लाइन 27 plus 20 upon 36 47 upon 36। अब अगर हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो 36 1 जा 36 11, आंसर आएगा 1 integer 11 upon 36। 1 integer 11 upon 36 लिख दो। लिखो, बोल बोल नहीं करना, चलो। पीछे आता है ना सबको, अब एक दूंगी, अपने आप करो, चलो। ओके, कर दूं अब, सबका हो गया, नहीं हुआ, सेकंड नंबर लिखो। सेकंड नंबर है 3/4 plus 7/10 plus 1/5। सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व कर दूंगी, तब चेक कर लेना।
सॉल्व करने में ध्यान दो, सॉल्व कर अंदर। फोर टेन और फाइव का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ट्वेंटी को ऐसे सर्कल करते थे, पता है सिक्स में भी ऐसे ही हम करते थे, अब बिग लाइन करते थे। फोर फाइव ट्वेंटी टेन, ये तो भी वर्कशीट में बहुत लोगों का ये सब नहीं आते थे, ये ऐसे सेम फाइंड करके डिनोमिनेटर को सेम करने वाले। थ्री फाइव या फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी प्लस फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी प्लस फोर अपॉन ट्वेंटी, डिनोमिनेटर सेम हो गए, फिफ्टीन प्लस फोर्टीन प्लस फोर अपॉन ट्वेंटी। थर्टी थ्री अपॉन ट्वेंटी, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में कन्वर्ट कर दें। ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी थर्टीन, वन इंटीजर थर्टीन अपॉन ट्वेंटी, तो भी वर्कशीट में बहुत लोगों का, आप अपनी वर्कशीट पूरा नहीं देखना कितने लोगों के रोग हो गए। सबका हो गया? बुक क्यों कोई किसी को नहीं देगा, अपने आप ही करना है, तो बोर्ड पर करती हूँ कि आप चेक भी करो बराबर है कि नहीं। चलो नाउ थर्ड नंबर, तो हम एक मिक्स वाला कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का। टू इंटीजर वन बाय टू प्लस वन इंटीजर वन बाय थ्री प्लस फोर, स्टार्ट योर सेल्फ। टू इंटीजर वन बाय टू प्लस वन इंटीजर वन बाय थ्री प्लस फोर, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दोगे। डिनोमिनेटर नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो पहले वाले समझो सॉल्व के उसकी तरह ये हो जाएगा। करने लग बैठा मत रहे निमेश, बैठे रहता है तो जब भी बोर्ड से ही कॉपी करता है। फोर फोर प्लस वन फाइव अपॉन टू प्लस थ्री वन जा थ्री, थ्री प्लस वन फोर अपॉन थ्री प्लस फोर, के नीचे कुछ भी नहीं है तो वन लिख देने का ताकि हमें काउंटिंग में इजी पड़े। अब हम टू और थ्री का एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमको पता ही है सिक्स छोटे नंबर हो तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, बस एक मेथड ही याद रखनी है कि नंबर तो कोई भी हो। डिनोमिनेटर सिक्स लाने के लिए टू थ्री जा सिक्स, थ्री टू जा एंड वन सिक्स,
6 जा 5 3 जा 15 अपॉन 6 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 6 प्लस 4 6 जा 24 अपॉन 6। सबका प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 47। अब इसको हम कन्वर्ट करें, 6 7 जा 42 और 1 रिमाइंडर। एक मिनट मैं 5 मुझे 43 लगा। 4 से 6 7 जा 42 और 47 में से 5। बंद रखेगा। अब हम ये एडिशन वाले एकदम अच्छे से क्लियर हो गए ना, तो अब सब्ट्रैक्शन वाले सेम मेथड, सिर्फ वहाँ पर माइनस करना। सब्ट्रैक्शन में तो दो ही स्टेप्स हो गए, एडिशन में तीन होते, उसमें तो दो ही हो गए। हाँ, इसमें प्लस करते हैं, उसमें माइनस करेंगे, उतना ही फर्क है। सब्ट्रैक्शन तो पहले से बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हम रिवीजन में कर रहे हैं, तो पहली बार नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम का भी रिवीजन हो ही गया था ना। 7 अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 5 सॉल्व करो। हाँ, सेम मेथड, ये तो एडिशन से भी इजी है, दो ही स्टेप वाले सम्स हो गए, उसमें तो भी तीन चार स्टेप्स आ सकते हैं। एलसीएम अब हमको पता चल ही जाएगा, 10 आएगा ना, 10 और 5 का 5 छोटे नंबर, तो अब 6 स्टैंडर्ड में हम बड़े बड़े एलसीएम सीख चुके हैं, तो ऐसे छोटे तो अब पता चल ही जाएगा। टेन वजा 10 5 टू जा 10 7 वजा 7 अपॉन 10 माइनस 4 अपॉन 10 7 माइनस 4 3 अपॉन 10। अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर को ही मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, तो कन्वर्ट नहीं करना है। बहुत डायरेक्ट है, छोटा नंबर डायरेक्ट स्ट्रक्चर का सेवन माइनस हो गया। चलो नेक्स्ट सेकंड नंबर। सेकंड नंबर 23 अपॉन 4 माइनस 3 माइनस 3। अब ये 3 को हम न्यूमरेटर में गिनेंगे कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। तो इसको इजी करने के लिए अपॉन 1 कर देंगे, हम कर ही देने का। उसी तरह पावर एक्सपोनेंट में भी कोई भी वेरिएबल की पावर नहीं दी होती तो हम 1 कर देते ना उसको काउंट करने के लिए।
यहाँ हमारा एलसीएम कितना आएगा? 4। फोर कितने जा? 4 वन जा, तो ऊपर भी वन जा, वन फोर जा, 23 वन जा 23 अपॉन 4 माइनस 12 अपॉन 4, 23 माइनस 12 अपॉन 4 11 अपॉन 4, ये तो कैसा आया? इम्प्रॉपर है, तो मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 4 ऊपर, 4 टू जा 8 9 10 11, 3 रिमाइंडर आएंगे न्यूमरेटर में। 2 इंटीजर 3 अपॉन 4 हो गए एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्लियर। अभी हम और सब्ट्रैक्शन हो गया सबका। थर्ड नंबर, बहुत छोटे नंबर्स दिए हुए हैं। थर्ड नंबर लिखो, 7 इंटीजर 1 अपॉन 2 माइनस 5 इंटीजर 1 अपॉन 4 आपके पास ये फर्स्ट टर्म के भी रिवीजन वीडियो होंगे, हो गए ना? रिलेट नहीं हुए होंगे आपके, हाँ तो वो भी देख सकते हो। तो ये तो दूसरी बार रिवीजन हो रहा है, एक बार रेगुलर भी किया, फिर वो कोर्स ओवर होने के बाद रिवीजन, और फिर ये दूसरी बार रिवीजन हो रहा है, इसीलिए फटाफट सब आंसर कर रहे हैं। वर्कशीट में बहुत पूछे थे, आगे के चैप्टर तो मोस्ट ऑफ बहुत कवर कर लिए थे। ये पहले मिक्स में है तो हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 7 जा 14 प्लस 1 15 अपॉन 2 माइनस 5 4 जा 20 20 प्लस 1 अपॉन 4 सेम क्या आएगा? 4 2 2 जा 4 1 जा 30 अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 4, 30 में से 24 कट तो 9 बाय 4, 4 2 जा 8 1 रिमाइंडर, 2 इंटीजर 1 अपॉन 4। ओके, तो अब ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, रिड्यूस होने लगते हैं कटिंग होने के बाद फटाफट। डिवीजन में भी वही मल्टी करके क्या करना है? रेसिप्रोकल, पूरा उल्टा हो जाएगा। नो, वो अपोजिट बोलते हैं, उसको इनवर्स बोलते हैं। हेडिंग डालो मल्टीप्लाई, और मैं डायरेक्ट एक हाथ छोटा दे दूँ फिर बड़े ले लेंगे। चलो, 2 इंटीजर 1 बाय 2 मल्टीप्लाई, 3 इंटीजर 1 बाय 3 मल्टीप्लाई, 4 इंटीजर 1 अपॉन 5 करो क्या? उसमें भी वही मेथड मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें एलसीएम नहीं लेना है, कटिंग करना है, इसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही वो एलसीएम वाला आता है, मल्टी डिवीजन में कटिंग करके रिड्यूस करना होता है। करूंगी किसी को आंसर बोलेगा अपने नोटबुक में चेक करूँगा। सबसे पहले तो इसको मिक्स में से हम
इन प्रॉपर में, प्रॉपर में नहीं कन्वर्ट होते, इन प्रॉपर नहीं होते। टू टू जा फोर प्लस वन, फाइव बाई टू मल्टीप्लाई थ्री, थ्री जा नाइन प्लस वन टेन बाई थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन अपॉन फाइव। अब देखो अगर ये तीन चार मार्क्स का हो जाए तो आपको सारे स्टेप्स दिखाने होते हैं, डायरेक्ट ऐसे कटिंग नहीं कर देंगे। बिग लाइन सारे न्यूमरेटर ऊपर, सारे डिनोमिनेटर नीचे। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का सम है तो फिर हम उस हमें उसको थोड़ा सारी मेथड प्रॉपरली शो कर देंगे। अब कटिंग करेंगे हम, टू फाइव ज़ा टेन, फाइव फाइव कट, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, सारा डिनोमिनेटर कट हो गया। तो अब कटिंग स्टॉप कर देंगे। न्यूमरेटर में जो भी नंबर बचे हैं उनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फाइव सेवन जा आंसर आएगा थर्टी फाइव, लिख दो। हो गया सबका? पहले हो सके उन्हें बड़े बड़े करेंगे ना तो छोटे तो बहुत इजी लगेंगे। फिर हम सेकंड नंबर वन इंटीजर ट्वेल्व अपॉन थर्टीन मल्टीप्लाई टू इंटीजर फोर अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई थर्टी थ्री अपॉन फाइव जीरो, बड़ा नंबर है। टेबल में फ्लुएंसी होगी तो कटिंग फटाफट हो जाएगी। ये रेडियस फॉर्म का फिफ्थ स्टैंडर्ड से आ रहा है, पता है ना, पहले छोटे छोटे नंबर देते थे, मतलब छोटा स्टैंडर्ड होता है ना वो बड़े स्टैंडर्ड का बेस होता है। थर्टीन मंजा थर्टीन, थर्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टीन मल्टीप्लाई इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू प्लस फोर ट्वेंटी सिक्स अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई, ये तो वही का वही रहेगा। ओके अब हमने अब बिग लाइन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई थर्टी थ्री थर्टीन अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई फिफ्टी कट करें, ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी टू थर्टीन जा ट्वेंटी सिक्स थर्टीन थर्टीन कट इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री आंसर आएगा थ्री, लिख दो। चलो कटिंग तुम लोग अलग तरह से करोगे ना तो भी आंसर वही आएगा। जहाँ थर्टीन टू जा करोगे फिर टू ट्वेंटी फाइव जा फिर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव को कट करोगे, कोई भी तरह से कटिंग करोगे, कटिंग करेक्ट है तो आंसर सेम आएगा। हो गया, एक और ले लेते हैं। वन इंटीजर थ्री अपॉन सेवन मल्टीप्लाई टू इंटीजर फोर अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन बाय फोर, सेवन वन जा सेवन, सेवन प्लस थ्री टेन अपॉन सेवन मल्टीप्लाई टू फाइव जा टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन अपॉन फाइव एंड वन बाय फोर। फाइव टू जा टेन, सेवन टू जा फोर्टीन, टू टू जा फोर, टू टू कट, सब कुछ कट। देखो ये बात खास बताओ, सब जीरो लिख देते थे यहाँ पर, बहुत सारे लोग सारा कटिंग प्रॉपरली करते हैं, सब कुछ कट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता तो वन आता है। मैं आपको एक भी मार्क नहीं देती थी, जीरो लिखते थे और मैं वहाँ आंसर भी लिख देती थी। तो अभी आप सामने हो तो ये सीख लो कि सब कुछ कट हो जाता है तो वन बचता है, जीरो नहीं। जीरो कब बचता है? जब प्लस माइनस वाला हो, तब माइनस टू प्लस टू हो तो हम जीरो लिख सकते हैं, तो हम वन नहीं लिखते। ओके, तो आज हमने चैप्टर टू में एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के फ्रैक्शन के सम्स किए। नेक्स्ट पीरियड में हम डिवीजन के और डेसिमल्स के सम्स कंटिन्यू करेंगे।